हाँ दोस्तों, आज ये टीवी है, मैं आपको ये टीवी दिखाता हूँ ऑन करके। ये बोर्ड लगाया है पुराना किसी टीवी से निकाल के और ये ऑन करा। ये लोगो सोनी ब्राविया आ रहा है, सोनी ब्राविया का ये लोगो आ रहा है फ्रेंड्स। और जो यहाँ लिखा है ये जो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहे हैं, बोर्ड का नंबर मैं बता दूंगा और बोर्ड दिखा दूंगा मैं कौन सा बोर्ड है। ये सोनी लोगो है। अब इस बोर्ड का लोगो चेंज करना है हमें, तो वो कैसे करेंगे? तो लोगो चेंज करने के लिए मैं आपको पहले बोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड का नंबर देख लीजिए, ये नया वाला बोर्ड है KK.RV22.819। ठीक है दोस्तों, ये जो बोर्ड है नया है, अभी लेटेस्ट मार्केट में आया है, तो इसमें सोनी का लोगो है, तो इस लोगो को हम चेंज करेंगे अभी। और लोगो कैसे चेंज होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक लैपटॉप ले लीजिए, जो आपकी फाइल को या पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं आप, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने लैपटॉप ले लिया है। इस लैपटॉप के लिए ये एक पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव ले लीजिए। तो पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा देते हैं। ये पेन ड्राइव आ गई है और भी इस पेन ड्राइव को हम ओपन करते हैं। ये पेन ड्राइव आ गई, इस पेन ड्राइव को खोलते हैं। इसमें प्रोजेक्ट 350 लोग ये फाइल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आप इस पेन ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करिए। न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जैसे ही आप, मैं दिखाता हूँ, ये न्यू फोल्डर है, इसको क्रिएट करिए। और इसमें जो आपको फोल्डर नेम डालना है वो क्या डालना है, लोगो चेंज करने के लिए इस बोर्ड का, तो इसका जो फोल्डर नेम डालना पड़ेगा आपको, वो आपको कैपिटल में डालना पड़ेगा, KKCUS, KKCUS, ये फोल्डर का नाम हो गया हमारे। अब इस फोल्डर में जो भी लोगो हमें डालना है इस टीवी के अंदर, वो लोगो हम उठा लेते हैं। तो यहाँ सैमसंग लिख रहा है टीवी पे, तो हम सैमसंग का ही लोगो डालते हैं। ये मेरे लोगो हैं, लोगो की फाइल्स है। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इसमें जो लोगो चलेगा ना आपका, तो वो आपका JPG फाइल चलेगा। ठीक है दोस्तों, फाइल JPG होनी चाहिए आपकी, ये हमने कॉपी कर लिया है। और इसको हम, ये जो फोल्डर हमने नया क्रिएट करा था KKCUS के नाम से, इसमें लोगो पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये लोगो पेस्ट हो गया है, ये लोगो सैमसंग बोल कर पर। ठीक है जी, इसका हम नाम डालेंगे लोगो, ये लोगो डाल दिया। ठीक है,
ये कैपिटल में हो या स्मॉल में हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लोगो हमने डाल दिया, अब जैसे ये कैपिटल में है, अब इसको हम बैक करके स्मॉल में भी डाल सकते हैं लोगो को। तो ये लोगो नेम है, लोगो नेम तो ले ही लेगा आपका, कैपिटल में हो या स्मॉल में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंटर दबाएंगे, लोगो आपका जो है ये के सी यू एस फोल्डर जो बनाया था हमने, इसमें हमने ये देखिए ये डाल दिया। अब मैं लोगो को भी खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लोगो सैमसंग का है, ठीक है जी। पेन ड्राइव को लैपटॉप से निकालते हैं, और सीधा पेन ड्राइव को टीवी के यूएसबी में इंसर्ट करते हैं। हमने टीवी में लगा दिया पेन ड्राइव, ये देखिए। डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द फॉलोइंग फाइल लोगो जेपीजी, ये टाइम चल रहा है, इसको आप यस भी कर सकते हैं, वरना तो ये खुद हो जाएगा। ये रिप्लेस कंप्लीट हो गया है हमारा, ये लोगो कंप्लीट हो गया है। अब इस बोर्ड में लोगो कंप्लीट होने के बाद में आपको डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देना है टीवी को। पहले सोनी का लोगो था, अब इसमें देखते हैं लोगो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब सेट को ऑन करते हैं, स्विच डाउन करना है, ठीक है। फिर स्विच ऑन करके सेट को ऑन करते हैं। ये हमने ऑन, ये देखिए ये लोगो चेंज हो गया, सैमसंग आ गया है। यहाँ सैमसंग है, पहले सोनी था, अब सैमसंग आ गया है। तो इस तरीके से इस न्यू बोर्ड में लोगो चेंज होगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लेटेस्ट वीडियो, नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस बोर्ड पे एक अगली वीडियो मैं और डालने वाला हूँ, ठीक है जी। ये दोबारा लोगो देखो हो गया, मैंने पेन ड्राइव नहीं निकाला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बोर्ड पे एक और वीडियो डलेगी आपकी, रेजुलेशन कोड वगैरह और डाटा कहाँ क्या फाइल है क्या नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका पेन ड्राइव निकाल देता हूँ। पहले तो ये मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया है, ठीक है। अब इसको मैं टीवी को फिर दोबारा ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि पेन ड्राइव पहले निकाला नहीं था, तो दोबारा लोगो ले लिया है इन्होंने। ये देखिए सैमसंग। तो इस बोर्ड की एक और वीडियो डालूंगा मैं, इसकी पूरी कंफर्म डिटेल दूंगा आपको, और प्लस इसके वोल्टेज बोर्ड के कहाँ कितने वोल्टेज बन रहे हैं वो भी आपको दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बोर्ड जो है नया है मार्केट में, 512 4 GB लेटेस्ट है। जो इस पे जो रिमोट चलता है वो क्रोमा मॉडल चलता है, क्रोमा का जो मॉडल है वो रिमोट चलता है इस पे, इस बोर्ड पे। एलजी का भी चलता है और चाइना सैमसंग भी चलता है। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से रिमोट चलते हैं। ये हमारा बोर्ड प्रॉपर हो गया है, लोगो हमने चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।